सत श्री अकाल आदाब दोस्तों, मैं आपका पायलट सिंह। घर में हरियाली हो तो अच्छा लगता है। तकरीबन लोग किचन गार्डन लगाते हैं, रूफ टॉप पे गार्डन लगाते हैं। ये रूफ टॉप गार्डन है, हमने ये प्लांट्स लगा रखे हैं गमले में। कई लोगों को शौक होता है, कई बार क्या करते हैं, बाजार से जो केमिकल है, यूरिया, डीएपी या और कोई जो केमिकल है, फर्टिलाइजर, वो उसमें डालते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि घर में खाद, देसी खाद कैसे तैयार किया जाए। आइए आपको दिखाता हूं। तो दोस्तों ये देखें, सबसे पहले ये है, इसमें कई बार हम सब्जी लाते हैं उसमें कुछ उसका हिस्सा पार्ट खराब होता है। फ्रूट लेके आते हैं जैसे एप्पल या मैंगो, कुछ पार्ट दबने के कारण वो गला होता, खराब होता, खाते नहीं हैं। और सब्जियों के छिलके वगैरह, चाय पत्ती को बार बार अच्छी तरह से धो के इसमें मिला सकते हैं। तो ये सबसे पहला स्टेप है, ये जो भी सब्जी के छिलके और चाय पत्ती धो के ऐसे रख लें, उसके बाद उसको किसी बोरे में उसमें डाल दें। ये आप देख सकते हैं, तो ऐसे है कि इसमें आप इसको मिला दें। थोड़े थोड़े दिनों बाद इसको हिलाते रहें और कोशिश करें धूप लगे और शाम को अगर बारिश का मौसम हो तो इसको ढक दिया करें। इसमें दो बातें होंगी। सबसे पहली बात, एक तो आपको इसमें कीड़े नजर आएंगे, कीड़े पैदा होंगे, और उसके साथ उल्ली भी आएगी, क्योंकि जब इसमें ह्यूमिडिटी आती है, पानी का असर आता है, तो इसमें उल्ली लगती है। उसके साथ साथ ये कीड़े ही हैं, जो कीड़े पैदा होते हैं, कीड़े इसको प्रोसेस करते हैं। तो नॉर्मल कोई भी सब्जी या कोई भी चीज़ है उसको खाद में बदलने की क्रिया जो है, एक्शन है, वो कीड़े करते हो तो घबराना नहीं, ये नॉर्मल कीड़े कुछ नुकसान नहीं करते। तो ये पार्ट है, इसमें कीड़े होंगे और इसको आपने कम से कम 2 से 3 महीने इसको ऐसे रखना है और इसको 2-3 दिन बाद पलटते रहना है। जब ये कंटेनर भर गया तो दूसरा कंटेनर लगा दें। इसके बाद जो फाइनल स्टेप है मैं आपको दिखाता हूँ। तकरीबन 3 या 4 महीने से मैंने ये रखा है, ये खाद देख लीजिए, ये बिल्कुल ये जो है ये तैयार हो गई, स्टेज में आ गई। ये देखिए खाद बन गई है, ये बिल्कुल तैयार है खाद। बस इसको क्रश करके इसका चूरा बनाना है, पाउडर बनाएंगे और फिर इसको गमले में डाल देना। देखिए फाइनली ये खाद बन चुकी है, बिल्कुल तैयार है, बस इसको क्रश करना है, क्रश करके और इसको गमलों में डाल देना है। तो दोस्तों एक तो इससे जो घर में वेस्टेज है वो हमारे काम आ जाएगी, और दूसरा घर की जो देसी खाद है ये सबसे बढ़िया है। और कहते हैं ऑर्गेनिक, अगर घर में आप सब्जियां लगाते हो, थोड़े बहुत फल के भी लोग प्लांट्स लगाते हैं, तो उसमें आप ये डाल सकते हो, कुछ भी खा सकते हो। तो दोस्तों ये है देसी खाद बनाने का सिस्टम। तो घर का जितना भी वेस्ट है कोशिश करें उसको रिसाइकल करें और उसके लिए घर में ही खाद बनाएं, आपको कहीं से केमिकल खाद लेने की जरूरत नहीं। और वीडियो के साथ आपका पायलट सिंह फिर हाजिर होगा। थैंक यू, जय हिंद।